ये मंजर है लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज के गांव का, जहां जिंदगी मुस्कुराती है जब नटखट लैला शरारते करके सबको हंसाती है। जी हाँ, लैला हमारी हीरोइन जरा वखरे टाइप की है। माँ बाप उसके बचपन में ही फौत हो गए थे, चचा ने पाला, जिनकी अपनी भी बच्चों की फौज है। चचा अपने भाई की निशानी यानी लैला से बहुत प्यार करते हैं, जो कि लैला की चची को एक आंख नहीं भाता, मगर शौहर के सामने कुछ नहीं कहती। मगर चचा के खेतों में जाने के बाद लैला को खूब कोसने देती, क्योंकि मार नहीं सकती। चलाकू लैला एक की चार लगा के चचा को बताती थी, मगर अब तो वो बड़ी हो गई है, अब चची उसकी आफतों से किसी हद तक महफूज हो गई है, क्योंकि अब चची के बच्चे चुस्के तख्ताए मश्क बन जाते हैं। अब आते हैं हाल की तरफ। गर्मियों की तपती हुई दोपहर है, को काफ का शहजादा जिन घूमते हुए लैला के गांव में कुएं के साथ वाले बरगद के दरख्त पे आके बैठा है। उसी टाइम लैला भी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पे पानी भरने आई। जिन, जो अभी अभी सोया था, हंसी की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगा, फिर नजर पानी भरती लड़कियों पर पड़ी और लो जी, जिन साहब का दिल लैला पे आ गया। जैसे कहते हैं कि दिल गदी पे आए तो वो भी हूर लगती है, तो ऐसे ही आम से नकूश की सांवली सलोनी लैला भी जिन भाई को हीरोइन ही लगी, जो किसी लड़के को गर्दन से पकड़ के कुएं की मुंडेर पे उसके मुंह को बगैर सर्फ के रगड़ा लगा रही थी। हाँ भाई, किसे मजनू दी गंदी औलाद, क्या मसला है? बाप तेरा चौपाल पे बैठा इस उम्र में भी कुड़ियां ताड़ता है, और तू कुड़ियों का पीछा करता है? बता किस माँ के पीछे आता है? पिछले 3 दिन से देख रही हूं तुझे। बाजी अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो, मेरी फेस ब्यूटी खराब हो गई तो इंसान तो क्या, कोई खोते की बच्ची भी नहीं मिलनी मुझे। अच्छा शावा भाई तेरी आशकी दे, चल बता फिर किसके पीछे आया था? वो बाजी मैं आपके पीछे आया था। क्या मेरे पीछे? लैला गर्राई। बाजी अल्लाह की कसम मैं आपको बहन समझता हूँ, तो फिर अपने मामे के मुंडे के लिए मेरे पीछे आया था? नहीं, वो आदल ने भेजा था। कौन आदल? वो मेरे चाचे का पुत्र। जी बाजी, उसने आप पे नजर रखने को बोला कि कहीं आप किसी के साथ फंसी तो नहीं, क्योंकि वो आपको पसंद करता है। अच्छा ठीक है पुत्र, अपने उस आशिक नामराद को बोलना जल्दी घर आए, उसकी मशूक इंतजार करेगी। चल अब भाग इधर से। और वो लड़का बेचारा इतनी तेजी से भागा कि छपाक से गंदे पानी की नाली में जा गिरा, और उठ के फिर से दौड़ लगा दी। सारी लड़कियां खी खी करने लगी। हंसी तो जिन पाजी को भी बहुत आई थी, उसे ये लड़की काफी दिलचस्प लगी थी। अब वो फिर से उनकी बातें सुनने लगा। लड़कियां लैला से पूछ रही थी कि वो अब क्या करेगी, करना क्या है? देसी घी की चूरी कूट के आशिक को खिलाऊंगी, साथ पंखा जलते हुए आधा दुपट्टा मुंह में डाल के चबा जाऊंगी, लैला ख्यालों में चटखारा लेते हुए बोली। ओहो, यानी आज लाइव शो देखने को मिलेगा, उसकी हमसाई बोली, और सारी लड़कियां खीखी करती वापस चल दी। जिन भी उनके पीछे पीछे लैला के घर पहुंच के नीम के दरख्त पे बैठ गया और लैला को काम करते हुए देखने लगा। वो साथ साथ अपने किसी न किसी छोटे कजन को धमुक्का भी जड़ देती, जिससे वो गला फाड़ने लगता, और चाची लैला को सलवाते सुनाने लगती। लैला काम खत्म करके कमरे में जाके आंखें बंद करके लेटी तो उसे आवाज आई, इधर। जिन उसके सराहने खड़ा था। लैला पहले तो उसकी खौफनाक शक्ल देख के घबराई, फिर अचानक उसके अंदर की मौला झट्टी जाग गई। ओए कौन हो तुम, मनहूस शक्ल वाले आदमी? लैला ने उसे घूरते हुए पूछा। कौन मैं? तुमने मुझसे कुछ कहा? को काफ के जिन ने हैरान होके इधर उधर देखकर पूछा। नहीं, तुम्हारे पीछे जो खड़ा है उससे पूछा, मनहूस मारे। लैला ने जलकर दांत पीस के जवाब दिया। तुमने मुझे 2 बार मनहूस कहा? को काफ के सबसे हैंडसम जिन को?
जिन बेचारे का सदमे से बुरा हाल हो गया। देखो लाली, मेरा दिल तुम पे आ गया है, इसलिए मैंने तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त की है, वरना इस तरह मेरे सामने जुबान चलाने पे तुम्हारी किच्ची मरोड़ देता। जिन ने भी बदले में दांत पीस कर जवाब दिया, तुम बांदर की शक्ल वाले भूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैला पे आशिकों ने की? कपड़े धोने वाली थापी से कूट कूट के तुम्हारी आशिकी निकाल दूंगी। और मेरा नाम लाली नहीं लैला है, लैलपुर की लैला, समझा जिन के बच्चे? चल अब निकल इधर से, नीमा नीमा हो के चल, शाबाश, मेरे सोने का टाइम हो गया। साला भूत का बच्चा, इतना टाइम जाया कर दिया, अब तक मैंने भी 25-26 खराटे ले चुकी होना था। भूत के तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हाल हो गया था। मुंह खोल के उस लायलपुर की लैला को देख रहा था, जिसने बजाए डरने के उसकी कुत्ते वाली कर दी थी। सारी दोपहर मजे से खराटे ले लेकर अपनी नींद पूरी करके लैला मैडम जैसे ही उठ के सहन में आई, तो उसे देखकर जिन बेचारे का ही तरा निकल गया। वो जो कब से उसके उठकर बाहर आने का इंतजार कर रहा था, अस्तगफार पढ़कर उसका हुलिया मुलाहजा करने लगा। बिखरे हुए बाल, सांवले मुंह पे बालों से टपका हुआ किलो किलो तेल और फर्श पे रुलता हुआ दुपट्टा, उफ, ये तो बिल्कुल मेरी बहन लग रही है। तोबा तोबा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जिन ने अपना मुंह पीट लिया और खुद को हौसला देते हुए इश्क लड़ाने को तैयार हो गया और लैला के मुंह धोने पे खुदा का शुक्र अदा किया। इतनी देर में लैला का दूसरा आशिक नामुराद बाहर से आ गया। जी हाँ, सही समझे, आदिल, लैला के चचा का बेटा। आइए महाराज, आपका ही इंतजार था, लैला बजाहर मुस्कुराते हुए दांत पीस कर बोली। अरे डरो नहीं, पास आओ। नहीं, आप मारोगी, आदिल सहम कर आहिस्ता से आगे बढ़ता हुआ बोला। अरे इधर आओ, शेर बनो। लैला को मुस्कुराते देखकर आदिल को हौसला हुआ और लैला के पास आ गया। अरे ये क्या, मम्मी बचाओ। आदिल की समझ में नहीं आया कि कब रस्सी उसके पाँव के साथ लिपटी और कब उसके पाँव के नीचे से जमीन निकली। जब तक होश आया तब तक वो नीम के दरख्त के साथ उल्टा लटक चुका था। उसकी हाय वाय सुनकर चाची भी बाहर आ गई थी। आए हाय, कमबख्त मारी, क्यों मेरे मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ी है, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? चाची जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में अपने ही दुपट्टे में उलझ कर धड़ाम से गिर पड़ी। लैला ने बेसाख्ता कह कहा लगाया और चाची को उठाने के लिए आगे बढ़ी। इतनी देर में हमसाई भी दीवार पे चढ़ गई लाइव शो देखने को। ना, तू किस खुशी में दीवार पे चढ़ के दांत निकाल रही है? चाची ने लैला को दोहतड़ मारते हुए हमसाई की भी क्लास ली, जो बेशर्मों की तरह हंस रही थी। अरे खाला, मैं तो लैला से बात करने आई हूँ, बस ये जरा फारग हो जाए, वो लैला की तरफ देख के आंख दबाकर बोली। सब समझती हूँ मैं तुम लोगों की चलाकियां। चाची का पारा हाई हुआ। अरे अम्मा, मुझे तो नीचे उतार ले, मर जाऊंगा तब तुम लोगों के मजाकरात खत्म होंगे, आदिल ने दुहाई दी। जिन खामोशी से ड्रामा एंजॉय कर रहा था। आए हाय, मेरा बच्चा, मेरा आदि, क्यों री कमबख्त, क्यों लटकाया मेरे बच्चे को? चाची का बच्चा जवान हो गया है, उसके सर पे आशिकी का भूत चढ़ गया है, वो उतार रही हूँ। क्या मतलब? चाची ने भमे तानी। मतलब ये प्यारी चाची कि आपका ये चूचा बच्चा आशिकी करने चला है, मेरे पीछे लड़के को लगा दिया कि नजर रखे मेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि मोहतरम आदिल को लैला से प्यार हो गया है और ये मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा है। हाय, मैं मर गई वे कंजरा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुझे पता भी है ये आफत तुझसे 10 साल बड़ी है, और अगर छोटी भी होती तो मैं इसको कभी ना बहू बनाती। नी चाची, तेरा कख ना रवे, 5 साल बड़ी हूं मैं इससे, लैला जल कर बोली। अगर दोबारा तूने मुझे 10 साल बड़ी बोला तो कसम खाती हूँ तेरे इस चूचे से ही शादी करके सारी उम्र तेरे सीने पे मोंग दलूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे मेरी माँ, दोबारा नहीं बोलूंगी, चाची दहल कर बोली। आप भाई ना लाइन पे, चल अब खुद ही बता दो अपने इस चूचे की सजा।
अरे मैं कहती हूँ गरम चिमटे से इसका पिछवाड़ा लाल कर मेरी बला से। मैं चली तो उतार इसकी आशिकी। चाची हाथ झाड़ के अंदर गई और चादर लेके घर से निकल गई मोहल्ला फिरने। हां जी रांझा साहब अब आपकी बारी है। लैला सचमुच चिमटा लेके आ गई। लैला तुझे अल्लाह का वास्ता है ऐसा ना करना मुझे माफ कर दे तू तो मेरी बाजी है। आदल चिमटा देखकर मिन्नतों पे आ गया। ना मेरा वीर तुझे ऐसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इबरत कैसे पकड़ेंगे। और ये कह के दे धना धन आदल साहब की तशरीफ पे चिमटे लगने लगे। जिन तो ये देख के हंसी से लूट पूट हो गया और पेट पकड़ के हंसता हुआ धड़ाम से दरख्त से नीचे आ गिरा। लैला जो अपने ध्यान में आदल को चिमटे से कूट रही थी धप की आवाज सुनकर पीछे मुड़ी और दरख्त के नीचे मोटे ताजे बिल्ले को देख के पहले तो हैरान हुई और फिर वही चिमटा घुमा के बिल्ले की तरफ फेंका। जिन जो इस बिल्ले की शक्ल में था जल्दी से चिमटे से बचने के लिए भागा मगर वो लैला थी जो बचपन से गुलैल के साथ परिंदों की बजाय कुत्ते बिल्लियों और इंसानों का शिकार करती थी। उसका निशाना बहुत अच्छा था तो ये कैसे मुमकिन था कि बिल्ला बच जाता। चिमटा सीधा बिल्ले की कमर पर लगा और वो लूटनिया खाता हुआ गुसल खाने के खुले दरवाजे से जा के फ्लश में गिरा और उठकर टियाऊं टियाऊं करता बाहर भाग गया कि कहीं फिर से आदल की जगह उसकी धुलाई ना हो जाए। बाहर जाकर दरख्तों के झुंड में छुपकर अपनी असली हालत में आया और अपनी कमर दबाते हुए इंसानों की तरह लैला को कोसने लगा। नी लैला तेरा कख न रवे तेरा बेड़ा गरक मैं बाज आया तेरी आशिकी से अब तो तुझे मजा चखाऊंगा। कोहे काफ के शहजादे को चिमटा मार के गुसल खाने में फेंक दिया यख। उई माँ काश मैं कोह काफ से भाग कर ना इस गांव में आता और ना ये चुड़ैल मुझे नजर आती। उफ कैसा भारी हाथ है सांडनी का। जिन बेचारा वहां ही लेटकर कराहने लगा। दूसरी तरफ लैला आदिल की तबीयत साफ करके उसे वहां ही लटका छोड़ के हाथ झाड़ती हुई बाहर जाने लगी तो आदिल ने दुहाई दी लैला मुझे तो खोल जा। लैला ने जैसे ही मुड़कर खूनखार नजरों से देखा तो गड़बड़ा कर बोला मेरा मतलब है लैला बाजी मुझे खोल दो प्लीज मैं मर जाऊंगा ऐसे तो। लैला बेनियाजी से मुड़ी और रस्सी के बल खोल दिए। आदल धड़ाम से पुश्त के बल गिर के हाय वाय करने लगा। लैला उसके छोटे बहन भाइयों को उसे उठाने का इशारा करके घर से निकल गई। चलते चलते गांव की चौपाल की तरफ जा निकली जहां सारे गांव के बाबे पीपल के पेड़ के नीचे शुगल मेला लगा के बैठे हुए थे। लैला को शरारत सूझी और बाबों के टोले के पास से गुजरते हुए बोली चाचा तुम्हारी धोती फटी हुई है। क्या सारे बूढ़े एकदम उठ के खड़े हो गए और अपनी अपनी धोतियां चेक करने लगे और लैला मैडम शैतानी हंसी हंसते हुए आगे निकल गई जहां हर रोज सारी लड़कियां इकट्ठी होके हंसी मजाक करती और झूले झूलती थी और वो जगह थी गांव के चौधरी का बाग। अब ये जिनकी बदकिस्मती कह लें कि वो अभी अभी उस हरे भरे बाग में आके इंसानी शक्ल में आम के दरख्त पे टांगे लटका के बैठा था। कमर पे जहां चिमटा लगा था वहां से अभी भी दर्द कर रही थी। लैला जो अपनी सहेलियों को ढूंढती हुई इधर से गुजर रही थी उसने जब किसी को आम के दरख्त पे बैठे देखा तो टांग से पकड़ के नीचे खींच लिया। लो जी जिन पाजी धड़ाम से गिरे और मजीद जख्मी हो गए। नीलाली तेरा सत्यानाश आज ही मार डालेगी क्या। जिन उठते हुए कराहा और लैला को घूरने लगा। अरे काले जिन तू यहाँ क्या कर रहा है और तूने मुझे फिर से लाली बोला। रुक जा कमीने काले कलोटे जिन के बच्चे तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगी। अरे तू पहले कौन सा माफ किया। जिन जल कर बोला पहले तो कुछ नहीं कहा अब देख तू मैं क्या करती। अरे रुक किसी अफलातून की औलाद वो जो मेरी कमर पे चिमटा मार के गुसलखाने में फेंका वो क्या तेरे बाप की रूह थी। रुस्तम पहलवान की औलाद हैं कब की बात है जब तुम अपने उस चूचे आशिक को चिमटे मार रही थी तो जिस मासूम बिल्ले पे जुल्म ढाया वो मैं था और ये मेरी शराफत है कि अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा और इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुझे माफ कर दूंगा।
हाँ एक शर्त है, अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ओए रुक रुक, अपनी रामलीला बंद कर और सच्ची बता, वो बिल्ला तू था? तो अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? बिल्ले का पारा फिर से हाई हुआ चिमटे को याद करके। अच्छा छोड़ सारी बातें, अगर तू सच में वही है तो दोबारा बन के दिखा, तब मानूंगी। लैला को शैतानी सूझी, जिन बेचारा फिर से उसकी बातों में आ गया और दरख्त के पीछे जाके बिल्ला बन के आ गया। लैला ने एक बार दरख्त के पीछे जाके देखकर अपनी तसल्ली की और बिल्ले को पीछे आने का इशारा करती ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। और जैसे ही ट्यूबवेल के पास पहुंचे, लैला ने झुक के इस मोटे ताजे भारी बिल्ले को उठाया और छपाक से पानी में फेंक दिया और दांत पीस के बोली, लैला का बॉयफ्रेंड बनेगा? वाह भाई, अब लगा डुबकियां, तेरी अकल ठिकाने आए। इतनी देर में लैला की दोस्तें भी आ गई और बिल्ले को देखने के लिए आगे हुई। और जैसे ही सब लोग आगे बढ़ी, बिल्ला अपनी असली शक्ल में आ गया और सारी की सारी एक दूसरी के ऊपर गिरती पड़ी भागी और कीचड़ में गिरकर चीखने लगी। लैला जिनको पानी में फेंक के साथ वाले खेत से गन्ना तोड़ के तसल्ली से बैठ के छीलने लगी। इतनी देर में सारी लड़कियां कीचड़ में लथपथ लैला के पास आके एक साथ धड़ाम से गिरी। अरे क्या आफत आ गई है, क्यों देसी मेकअप करके आ गई हो सब की सब? लैला मैडम गन्ने की तरफ ध्यान रखते हुए उनके उलियों को देखकर बेनियाजी से बोली, अरे सदके जाएं तेरे इत्मीनान के, नास मारी पानी में क्या फेंकी आई हो? लैला की करीबी दोस्त फातिमा, जिसके हवास जरा बहाल हो चुके थे, जल कर पूछने लगी, क्यों तुम लोगों ने क्या देखा? लैला के इत्मीनान में जरा फर्क ना आया, मजे से गन्ना चूस कर साइड पे फेंकते हुए पूछा, वो वहां बहुत डरौनी शक्ल वाला जिन था। लैला कसमें हम मजाक नहीं कर रहे, दूसरी लड़की झुरझुरी लेकर बोली, तो मैंने कब कहा कि तुम लोग मजाक कर रही हो? अरे भाई जिन को पानी में फेंकेंगे तो जिन ही नजर आएगा ना, अंजलि ना जूली नजर आने से तो रही। क्या मतलब? सारी यक जुबान हो के बोली, मतलब ये मेरी मासूम बीबीओ कि वो सचमुच वाला जिन था। ये कह के लैला ने सारी कहानी उन सबको सुनाई। सारी लड़कियां हंस हंस के लोट पोट हो गई। इन लोगों का डर अब खत्म हो गया था और उसकी जगह तजस्सुस ने ले ली थी। अब क्या होगा लैला, कहीं वो जिन बदला लेने आ गया तो? अरे कुछ नहीं होता, वो इतना बहादुर होता तो अब तक ले ना चुका होता बदला बार बार पिटने के बाद। लेकिन यार हो सकता है कोई प्लानिंग कर रहा हो बदला लेने की, एक और लड़की बोली, चल देख लेंगे उसकी प्लानिंग भी, अभी तुम लोग तो इंसानी शक्ल में आओ। लैला उन सबको लेके ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी, दूसरी तरफ जिनका गुस्से से बुरा हाल था मगर वो फूक फूक करके नाक से धुआं नहीं निकाल पा रहा था। ट्यूबवेल के ठंडे पानी ने उसकी आतिश इश्क ठंडी करने के साथ साथ उसकी सचमुच वाली आग भी ठंडी कर दी थी। अब बेचारा मुंह से आग तो क्या निकालता, खाली धुआं भी नहीं निकल रहा था। जैसे ही वो मुंह या नाक से फू फू करता, जरा सी भाप निकल के खत्म हो जाती और ऐसी आवाज आती जैसे कोई किसी थक्कड़ सी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अब तो जिन ने सोच लिया था कि वो इस लायलपुरी चड़ेल को मजा चखा के ही यहां से जाएगा, अब ये तो वक्त बताएगा कौन किसको मजा चखाता। अभी तक तो जिन की मिट्टी पलीद हो रही थी, अगले दिन जिन ने अपने इंतकाम का आगाज करना था, इसलिए सुबह सुबह आके लैला के घर के नीम के दरख्त पे डेरे डाल दिए और लैला के उठ के बाहर आने का इंतजार करने लगा। चाची ने रात वाले बर्तन धो के चारपाई पे उल्टे करके सूखने के लिए रखे थे। जिन को शैतानी सूझी, कौवा बनकर नीचे उतरा और बर्तनों को पंजे मार के नीचे गिराता हुआ एक चम्मच मुंह में डाल के दरख्त पे जा बैठा। लैला जो अभी उठ के बाहर आ रही थी, उसने जब कौवे को बर्तन गिरा के दरख्त पे बैठते देखा तो वहां से ही चप्पल उतार के खींच मारी और कौवा बेचारा एक बार फिर शाखों और पत्तों में लोटनियां खाता हुआ दरख्त से नीचे गिरा और इधर उधर देखे बगैर फुर से उड़ गया। इससे पहले कि लैला उस तक पहुंचती और उसे कल की तरह चिमटे खाने पड़ते, वो फरार हो चुका था।
अब तो जिन का गुस्से के मारे बुरा हाल था, उसने भी सोच लिया था बदला लिए बिना नहीं जाएगा। भले लैला उसे मार मार के छिछुंदर बना दे, वो भी लैला को बांदरी बना के जाएगा, लेकिन बदला पूरा करने के बाद। अब वो नए सिरे से प्लानिंग कर रहा था कि कौन सा तरीका ठीक रहेगा जिससे वो लैला के हमलों से भी बच जाए और उसे मजा भी चिखा सके। इसलिए उसने एक दिन आराम करने का सोचा ताकि चोटों की टकोर कर सके और अगले दिन ताजा दम होके अटैक कर सके। अगला दिन पुरसकून था क्योंकि जिन छुट्टी पे था। लैला की वही छोटी मोटी नोक झोंक जारी रही। आदल बेचारा चिमटे खा खा के सूजा हुआ था। वो भी बिस्तर पे उल्टा लेटा हाय वाय कर रहा था और माँ से गर्म पानी और गालियों की टकोर करवा के वक्फे वक्फे से चीखे मार रहा था। आज लैला की किसी सहेली की मेहंदी थी, वो वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर दूसरी तरफ उसकी सहेली ने उसे बुला तो लिया था, अब दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे लैला को बुखार हो जाए या कोई टांग वांग टूट जाए और वो ना आए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका सुहाग बसने से पहले उजाड़ दे। लैला की हरकतों से गांव वाले तो वाकिफ थे, मगर ये रिश्ता दूसरे गांव से आया था और लड़का बहुत नखरे वाला था। उसकी माँ बहनों की मांगे ही खत्म नहीं हो रही थी। कभी उनको जहेज में भैंस चाहिए थी तो कभी सास नंदों के लिए सोने का जेवर, और अब वो लोग मेहंदी पे लड़के के लिए मोटरसाइकिल मांग रहे थे। और लड़की के भाई परेशान थे कि क्या करें, पहले ही बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला था उनकी 30 साला बहन को, अब अगर ये भी टूट जाता तो क्या करते। इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग ज्यादा फैल रहे थे। सारी जमा पूंजी ये लोग लगा चुके थे, इधर उधर से पकड़ के भी इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती, और इन लोगों की डिमांड थी कि मोटरसाइकिल मिलेगी तो ही मेहंदी लगेगी वरना नहीं। इतनी देर में लैला भी पहुंच गई। सहेलियों से मिलकर अभी दुल्हन के घर वालों से मिलके वापस हुई थी कि उसे कुछ अजीब सा लगा कि सब इतने चुप क्यों हैं। पहले इग्नोर किया, फिर उसके अंदर का शेरलॉक होम्स उछल के बाहर आ गया। उसके जहन में अचानक से कुछ क्लिक हुआ। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है और घर वाले एक कमरे में जमा होके कुछ बात कर रहे, और लैला के आते ही सब चुप हो गए। ये बात लैला बीबी कैसे हजम कर सकती थी। वापस आके दम से बैठी और सवालिया नजरों से सबको देखने लगी, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं। कुछ नहीं लैला, तुम जाओ बच्चे, नैला इंतजार कर रही होगी, भाई ने नरमी से कहा। नहीं भैया, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या मसला है। भाभी आप बताएं। भाभी लैला के कारनामों से वाकिफ थी सो उसे सारा कुछ बता दिया। नायला की अम्मी बेचारी रोए जा रही थी। लैला ने कुछ देर सोचा और उठते हुए बोली, भाई मौलवी को बुलवाएं, आज निकाह होगा और कल रुखसती। क्या तुम पागल हो, भाई गुस्से से उठ खड़े हुए। प्लीज खाला मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसने नायला की अम्मी के घुटनों पे हाथ रख के यकीन दिलाया। उन्होंने इस्बात में सर हिलाया और अपने बड़े बेटे को इशारा किया, वो हड़बड़ाता हुआ मौलवी को लेने चला गया। आप सब भी बाहर आएं और सबको निकाह का बताएं। लड़के वालों से कहें कि मोटरसाइकिल का इंतजाम हो गया, मगर आज ही निकाह करें तो दे देंगे। लेकिन बेटी, खाला मुझ पे भरोसा रखें, सब ठीक कर दूंगी। अब उसे लड़के वालों के दिमाग सेट करने थे सो चटखारा लेके बाहर निकल आई और नायला के पास पहुंच गई। उसी दम निकाह का शोर उठा, सारी लड़कियां हैरान हो गई। लैला के चेहरे की पुरसरार मुस्कुराहट पर किसी ने गौर नहीं किया था। मौलवी आ गया था। लैला दूल्हे की माँ और बहनों के पास जाके बैठ गई। आंटी आप लोग भी आए ना पास। अरे नहीं बेटी, हम जाके क्या करेंगे, मर्द है ना वहां लड़के की माँ जिसने 5 किलो मेकअप थोप के गहरे सब्ज रंग के तंग कपड़े पहनकर जवान नजर आने की कोशिश की थी, नजाकत से बोली। अरे तेरी ऐसी तैसी बुढ़ी घोड़ी फसाद डाल के साइड पे हो रही है, तुझे तो मैं बताती हूँ। बजाहर दांत पीसकर मुस्कुराते हुए दिल में उन लोगों को गालियां देती जबरदस्ती उठा के ले गई थी इन सबको। जैसे ही मौलवी साहब ने
निकाह शुरू करवाया, लैला आगे आ गई। एक मिनट मौलवी साहब, हक महर तो लिख लें। अरे हक महर तो शरीयत के मुताबिक ही होगा, दूल्हे की बड़ी बहन जल्दी से बोली। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, बताने का शुक्रिया। लैला मुड़ के घूरी, अब जरा ये भी बता दो, भैंस, सोना और मोटरसाइकिल किस शरीयत में लिखे हैं, और वो कौन सी शरीयत है जो हक महर तो बताती है मगर जहेज के नाम पर लूट मार की कोई तफसील नहीं तुम्हारी इस शरीयत में? ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आए। चलो उठो मुन्ने, वापस चलें, लड़के की माँ बोलकर उठने लगी। अरे गैंडी, ज्यादा पुत की ना तो मेंढकी बना के छप्पड़ में छोड़ाऊंगी तेरी और तेरे इस चने काके की। तो लैला मैडम फुल एक्शन मूड में आ गई थी। अगर तुम लोगों में से कोई भी अपनी जगह से उठा तो मार मार के चिचड़ बना दूंगी, क्योंकि दुम्बे तो तुम लोग पहले से ही हो। लैला इन सबको घूरते हुए गर्राई थी। लड़के की मोटी ताजी माँ जो तन फन करती खड़ी हो गई। लैला ने उसे कंधों से पकड़ के पास रखी कुर्सी पे ठोंसा और आहिस्ता से कान में बोली, अब अगर उठने की कोशिश की तो बर्फ तोड़ने वाला सुआ मार के तेरी हवा निकाल दूंगी मोटी भैंस। इतने में लड़के की दोनों बहनें भी आ गई थी। ये क्या गुंडा कर दी है? हो कौन तुम हमारे मामले में टांग अड़ाने वाली? चुप करके उधर बैठ जाओ मेकअप की दुकानों, अब अगर आवाज निकाली तो मुंह धुलवा दूंगी दोनों के, और फिर सोने के जेवर पहनाऊंगी जो तुम लोगों ने मांगे हैं। दोनों लड़कियां साथ ही चुप करके बैठ गईं। सब लोग चुप करके शो एंजॉय कर रहे थे, किसी ने बीच में बोलने की कोशिश नहीं की थी। हां जी मौलवी साहब, लिखे हक महर 20 लाख और महाना 10,000 जेब खर्च। अरे ये क्या कह रही हो लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लड़के का बाप तड़प कर आ गया। क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? ट्रक भर के जहेज का दिया तुम्हारे सारे खानदान को, सोना पहनाया, दूध के लिए भैंस दी, इस पे भी दिल नहीं भरा तो मोटरसाइकिल मांग ली। क्यों भाई, तुम लोग भूखे न गए हो? पहले बता देना था तुम्हारे गुसलखाने के लिए पार्ट भी उधर से दे देते। चले मौलवी साहब, आप क्या देख रहे हैं, लिखें शाबाश। और हाँ, शरायत में यह भी लिखना कि अगर लड़की को ससुराल में तंग किया गया तो इन सब घर वालों को चौक में नंगे करके लितर मारे जाएंगे। वो खूनी नजरों से इन सबको और खास तौर पर दूल्हे को घूरती हुई बोली, और वो नाजुक मिजाज दूल्हा सहम कर पहलू बदलने लगा। अरे बेटी सुनो, मेरी बात सुनो। लड़के की माँ दहल कर जल्दी से उठ के आई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सारा कुछ वापस करने को तैयार हैं, और निकाह भी अभी होगा, अगर कहो तो रुखसी भी अभी करवा के ले जाते हैं, मगर अल्लाह का वास्ता तुम अपनी शर्तें वापस ले लो। इतना कहकर वो लड़की की माँ के पाँव में जाके बैठ गई। हमें माफ कर दो बहन, हम रिश्तेदारों के बहकावे में आकर लालच में अंधे हो गए थे, मगर इस बच्ची ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमारी भी दो बेटियां, हो सकता कल इनके साथ भी कोई ऐसा करे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जितना चाहें मेहर की रकम लिखवा लें, मोटी आंटी रोते हुए माफी मांगने लगी। नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं लिखवाना, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। नायला के भाई ने इतना कहकर लैला की तरफ तायदी नजरों से देखा। लैला ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और अंदर दुल्हन के पास चली गई। वहां पर भी इमोशनल सीन चल रहा था, दोनों माँ बेटियां एक दूसरे के गले लग के रो रही थी। नायला को सारा माजरा पता चल गया था, उसने भाग के लैला को गले लगाया और बोली, लैला तुमने मेरे लिए रहमत की फरिश्ता साबित हुई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बुरा सोच रही थी। क्या मतलब? लैला ने झटके से उसे खुद से अलग किया। वो मैं तुम्हारे आने से पहले दुआ कर रही थी कि तेरी टांगें टूट जाएं ताकि तू मेरे दूल्हे की बैंड बजाने ना आ सके। क्या? लैला चीखी, कमीनी ना मुराद, वहां मैं तेरे लिए लड़के आई और तू मुझे बादुआएं दे रही थी, कम बखत मारी जा, मर कहीं जाके। लैला ने उसे दोतड़ मार के परे फेंका। वो उठ के फिर से रोते हुए लैला के गले लग गई और माफी मांगने लगी। उतनी देर में मौलवी के अंदर आने की इत्तला मिली तो लैला ने उसे अलग करके बिठाया और बोली, चल बस कर दे, सारी नाक मेरे कंधे के साथ ही साफ करेगी। सारी लड़कियां हंसने लग गईं और फिर निकाह शुरू हो गया। रस्म के बाद लैला अपनी
छोटी कजन जिसको वो साथ लेके गई थी के साथ सीटी बजाती हुई घर में दाखिल हुई। चाची जो इन दोनों के इंतजार में ही बैठी थी तड़प कर कमरे से बाहर आई और बोली, कमबख्त मर्दमार, अब किसकी चमड़ी उतार के आई है जो सीटियां मार रही है। अरे नहीं अम्मी, आज तो लैला बाजी ने ऐसा कारनामा किया है कि सब ही लैला बाजी के फैन हो गए, उसकी कजन तारीफ करते हुए बोली। तू चुप कर, लैला बाजी की चमची मैं जानती हूँ, ये मोई जब भी सीटी मारते हुए घर आती है थोड़ी देर बाद कोई ना कोई इसकी शिकायत लेके आ जाता है। इतनी देर में दरवाजे से कोई तेज तेज घर में दाखिल हुआ। चाची ने दहल के सीने पे हाथ रखा, देखा तो लैला के चचा थे। उन्होंने आगे बढ़ के लैला का माथा चूमा। जीती रहा मेरी दी, तूने आज मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। अरे कोई मुझे भी कुछ बताए, चाची जलकर बोली। मैं तो बता रही थी, आपने झिड़क दिया। हाँ, मुंह टेढ़ा करके छोटी अंदर भाग गई। चल नेक बख्त, अंदर चल के बताता हूँ तुझे अपनी दी का कारनामा। चाची ने हैरान होके लैला को देखा और वो चाची को आंख मार के कमरे में सोने चली गई। आज जिन सुबह सुबह ही लैला के घर पे नाजिल हो गया था और बहुत खुश था क्योंकि वो बदला लेने के नए तरीके सोच के आया था, मगर आज तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लैला के कमरे में नहीं जा सकता था, बल्कि वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि लैला मैडम इतने खौफनाक खराटे लेती थी कि जिन का भी तरा निकल जाए। ऊपर से तेल से चुपड़े हुए बाल और तेल से ही भरा हुआ भाड़ जैसा मुंह, जिसे खराटे लेते हुए कभी खोलती और कभी बंद करती थी। मच्छर भी उससे 2 फीट दूर होके गुजरता था कि कहीं सांस अंदर खींच के उसे भी ना पी जाए। तो मोहतरम जिन जो के कभी को काव का शहजादा हुआ करता था, जिसे लैला ने दो दो के धोबी का कुत्ता बना दिया था, उसकी नाजुक तबीयत उसे दरख्त पे बैठ के इंतजार करने पे मजबूर कर रही थी। आखिर खुदा खुदा करके चाची की 125 आवाजों के बाद उठ के बाहर आई थी। उसकी तेल वाली बिखरी जुल्फों को देख के जिन को इंतकाम का पहला लेवल सूझ गया। वाह वाह, इसकी जुल्फों को आग लगाऊंगा और ये चीखती फिरेगी तो मेरे दिल को सुकून आएगा। जिन ने ख्यालों में लैला को चीखें मारते पूरे सहन में चक्कर काटते देखकर चटखारा लिया। लैला मैडम भी मुंह धोके चूल्हे के आगे आके बैठ गई थी। चाची आग क्यों नहीं जलाई? अरे आग तेरे बाबा के दांत रगड़ के लगाऊं, माचिस नहीं मिल रही, चाची ने जलकर जवाब दिया। ओहो चाची इधर ही होगी। जैसे ही लैला चूल्हे के पीछे देखने को झुकी, जिन फूंक मारने को तैयार हो गया। उधर लैला माचिस उठा के तीली जलाने लगी, इधर जिन ने मुंह से आग निकाली सीधी लैला के सर की तरफ। अरे ये क्या, तीली नीचे गिरी। लैला उठाने को झुकी और आग चूल्हे में पड़ी लकड़ियों को जा लगी। हैं? लैला आग जलने पे हैरान थी और जिन आंखें फाड़ फाड़ के चूल्हे को देख रहा था जो बीच में आ गया था। जिन ने गुस्से में तने पे हाथ मारा, वहां से पिछले दिन बच्चों ने झूला बांधने की कोशिश में टहना तोड़ दिया था, उसकी नोकें निकली हुई थी। जिन साहब ने जोश में देखा ही नहीं और हाथ लकड़ी के आर पार। जिन की तो सदमे से सीटी गुम हो गई, हाथ लकड़ी में से निकाला और भागा बाग की तरफ और ट्यूबवेल की मुंडेर पे बैठ के बच्चों की तरह अम्मी अम्मी करके रोने लगा। लैला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब से तुझे देखा है बस चोटें ही मिल रही हैं मनहूस कहीं की, अब तो मेरी भी जिद है, खुद भले लीरो लीरो हो जाऊं तेरा जीना आराम कर दूंगा। दूसरी तरफ लैला ने नाश्ता करके घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दी। रास्ते से सहेलियों को साथ लेते हुए सब कुएं पे पहुंची और छांव में बैठ के लैला के रात वाले कारनामे पे तबसरा करने लगी। जिन भी हाथ पे कोई जड़ी बूटी लगा के लैला को ढूंढता हुआ कुएं के पास आ गया। मनहूस मारी, तू मुझे यहां ही मिली थी ना, आज तेरा इधर ही काम तमाम करूंगा, तुझे कुएं में फेंक के फिर ना रहेगी लैला और ना पिटेगा जिन। सारी लड़कियां उठ के पानी भरने लगी। जब लैला की बारी आई तो जिन कुएं की मुंडेर पे आके बैठ गया। नजर तो किसी को आ नहीं रहा था
इसलिए आराम से बैठ के लैला के पास आने का इंतजार करने लगा। लेकिन उसे अपना प्लान फेल होता नजर आया, क्योंकि लैला तो थोड़ी पीछे खड़ी होकर डोल खींच रही थी। जिनके दिमाग में एक तरकीब आई, उसने अक्सर इंसानों को देखा था कि किसी को धक्का देना हो तो पीछे से दौड़ के आते और एकदम से धक्का देते हैं ताकि जोर का धक्का लगे। उसने भी ऐसा ही किया, जोश में काफी पीछे निकल गया। ये देखे बगैर के लैला ने पानी भर लिया है और वो उधर से हटने वाली है। इधर जिन ने दौड़ लगाई, उधर लैला पीछे हट गई। और जिन इतनी तेजी में था कि जब तक उसे लैला के साइड पे हटने का पता चला, तब तक वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। रुकने की कोशिश में कुएं की मुंडेर से टकराया और तवाजन बिगड़ के अपने ही जोर में कुएं के अंदर जा गिरा। छपाक की आवाज सुन के सारी लड़कियां कुएं के पास आके देखने लगी, मगर कुछ नजर न आने पे सब की सब पलट के वापस चल दी। और जिन जो जोर से गिरने पे पानी की गहराई में चला गया था, वापस ऊपर आया और कोशिश करके बाहर निकला। निकलते साथ कुएं के पास ही जमीन पे लेट कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जरा सांस ठीक हुई तो फिर से कोसने लगा, नी लैला तेरा सत्यानाश हो जाए, ओ तेरी किस्मत क्यों इतनी अच्छी है, मेरी हर चाल मुझ पे ही उलट जाती है और ये खसमानू खानी साफ बच जाती है। जिन गुस्से में भी लायलपुर की बोली बोल रहा था। आज लैला ने शादी पे जाना था तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके पार्लर जाने का सोचा। चाची मैं जरा पार्लर जा आ रही हूँ, बता के बाहर निकल गई कि कहीं चाची कुछ सुनाने ना बैठ जाए। वहां जाके पहले फिशल करवा के आईब्रो बनवाए, फिर उसे बाल काटने का बोल के आंखें बंद करके टेक लगा के बैठ गई। इतनी देर में जिन भी लैला के घर वापस पहुंच गया था। उसने जब चाची के मुंह से लैला का जिक्र सुना तो कौवा बनकर चारपाई के पास पहुंच गया। चाची अपनी हमसाई को लैला के पार्लर जाने का बता रही थी। जैसे ही कौवे पे नजर पड़ी, जूता खींच मारा, अरे कमबख्त तू इधर क्या ढूंढ रहा, चल दफाओ। जूता खा के लैला का पता मिल गया था, इसलिए उसने चाची को माफ करके लैला के पीछे जाने का सोचा और उसके पसीने की बू का पीछा करता हुआ पार्लर जा पहुंचा, जहां पार्लर वाली कैंची पकड़ के लैला के खूबसूरत सिल्की बालों को काटने लगी थी। जी हाँ, लैला के बाल बहुत प्यारे थे, सिल्की सॉफ्ट और घने, इसीलिए वो हर टाइम तेल में डुबाए रखती थी बालों को। मगर आज तो दोस्त की शादी थी तो सोचा कि थोड़ी सी कटिंग करवा के खुले छोड़ेगी। मगर इतनी देर में जिन पाजी भी पहुंच गया। पहले तो उसके बालों को देख के मदहोश ही हो गया, मगर जब इंतकाम याद आया तो सर झटक के आगे बढ़ा और पार्लर वाली का हाथ पकड़ के बालों पे उल्टी सीधी कैंची चलाने लगा। लैला एकदम कुर्सी से उठी और लड़की को धक्का दिया, ये क्या कर रही हो? लड़की चीखी, लैला ये मैं नहीं कर रही, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। लैला ने गुस्से से ट्रिमिंग मशीन उठाई और उसके सर के दरमियान में फेर के गजनी स्टाइल बना दिया और गुस्से से बाहर निकल गई। जाते जाते फिर आने की धमकी दे गई। उधर जिन जो लड़की के पीछे खड़ा था, धक्का लगने से वैक्स मशीन से टकराया और गिर गया। वैक्स फर्श पे गिर गई थी और जिन उसके ऊपर गिर के तड़पने लगा और उठने को जोर लगाने लगा, मगर वैक्स ठंडी हो गई थी इसलिए जिन को जफ्फी लगा ली। लैला तो भक्ति झुकती चली गई। पार्लर वाली बेचारी वहां ही बैठ के अपनी गजनी वाली टिंड को देख के फूट फूट के रोने लगी। इस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था और लैला ने उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जिन जोर लगा लगा के थक गया, मगर वैक्स से जान नहीं छूट रही थी, तो इसने पार्लर वाली से मदद लेने का फैसला किया। ओ बाजी मेरी मदद कर दो, मैं चिपक गया हूं, ये शीरा उतर नहीं रहा। पार्लर वाली ने सहम कर इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर आवाज आ रही थी। वो पहले ही किसी के उसका हाथ पकड़ के कैंची चलाने पे डरी हुई थी। आवाज सुन के तो उसकी हिचकी लग गई, ऐसे सर पे पांव रख के भागी के अपनी गजनी टिंड को भी भूल गई और अपने घर जाके सांस ली। उसके छोटे बहन भाइयों ने उसे देखा तो चीखना शुरू कर दिया। वो समझी शायद पार्लर वाला जिन उसके पीछे आ गया, वो भी उनके साथ मिलके चीखें मारने लगी। उसके घर वाले सब इकट्ठे हो गए और इन सब से चीखने की वजह पूछने लगे।
बच्चों ने जब उसकी टिंड की तरफ इशारा किया तो सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ तो उसे याद आया और वो फर्श पे बैठ के फिर से रोने लगी और सारी बात बताई। सब लोग उस जिन और लैला को गायबाना गालियां देने लगे। जिन बमुश्किल उठा मगर न चल पाया और न उड़ पाया, थोड़ा सा हिलजुल कर फिर से वहां ही चिपका रहा। उसे वैक्स पेपर नजर आया तो उठा के रगड़ने की कोशिश की तो वो भी साथ चिपक गया। अब तो जिन बहुत परेशान हुआ, अभी तो उसने जाके लैला की हालत देखनी थी मगर उसकी खुद की हालत पतली हुई पड़ी थी। इधर उधर हाथ मारते हुए अचानक तेल की बोतल उसके पाँव पे गिरी। गुस्से से उठा के दूर फेंकने लगा तो उसे पाँव पे जहां तेल गिरा था वहां से चिपचिपाहट कम लगी। लो जी, जिन की तो खुशी का कोई हाल नहीं रहा, तेल की बोतलें उठा उठा के सर पे उलटाने लगा। लैला खराब मूड के साथ सर पे दुपट्टा लेकर शादी से होके आ गई थी। उसे पार्लर वाली पे बहुत गुस्सा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दोबारा पार्लर जाके उसकी सारी टिंड करके आती, जिसने उसके इतने प्यारे बाल छोटे बड़े कर दिए थे। उससे बाद में निमटने का सोचकर सर पे तेल का पूरा कुआं उलट के सो गई थी। अगला दिन मामूल के मुताबिक था। जिन ने आज लैला पे बराहे रास्त हमला करने का सोचा था। जैसे ही लैला पानी भरने गई, जिन भी पीछे पीछे गया और हमले के लिए मुनासिब सी जगह देकर भैंसा बन के वहां छुप के बैठ गया, ताकि जैसे ही वो लोग सामने आए अचानक उठ के लैला को टक्कर मार के इतनी दूर फेंक दे जहां से वो वापिस ना आ सके। इतनी देर में वो लोग वापिस नजर आना शुरू हो गई। जिन तैयार हो गया और उन सब के नजदीक आते ही उठकर उनकी तरफ भागा। सारी लड़कियां चीखते हुए इधर उधर भाग गईं, मगर लैला अपनी जगह पे खड़ी होके उस मोटे ताजे भैंसे को देखने लगी। भैंसा जो उसकी तरफ भागा आ रहा था गड़बड़ा के रुक गया। उसने तो सोचा था कि लैला उसे देख के भागेगी और वो उसके पीछे लग के उसे दौड़ा दौड़ा के मारेगा, मगर ये तो उल्टा हो गया था। वो रुकी तो ये भी रुक गया। थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन फिर अचानक लैला घड़ा नीचे रख के भागी। भैंसा भी अन्ने वाह अपनी शामत के पीछे भागा। जैसे ही गली का मोड़ आया, लैला अचानक रुक के साइड पे हो गई और जिन पाजी की एक बारी फिर किस्मत माड़ी। गली बंद थी और भैंसा शोखा स्पीड में दम से जाके सामने की दीवार से टकराया और तकलीफ से वहां ही गिर के डकारने लगा। लैला आराम से हाथ झाड़ के वापिस गड़ा लेने के लिए चल दी। अब तो जिन की हालत ही खराब हो गई। पहले वैक्स की वजह से उसका बालों से भरा जिस्म जगह जगह से छिल गया था और अब सर की जोरदार टक्कर ने उसे तारे दिखा दिए थे। चुप करके उठा और बाग में जाकर कुछ और सोचने लगा। लैला को तो अपने बालों का सदमा लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इनको ठीक करे। किसी को बताया भी नहीं था कि सब मजाक उड़ाएंगे। बैठी कुछ सोच रही थी कि दरवाजा बजा। पहले तो ढीठ बन के बैठी रही, लेकिन बजाने वाला उससे भी ज्यादा ढीठ था। आ रही हूं, दरवाजा तोड़ोगे क्या? लैला जलती भुनती उठ के दरवाजे पे आई, देखा तो एक जख्मी बूढ़ा खड़ा था। लैला ने बूढ़े को देखा तो दरवाजे से ही वापिस पलट गई और मांगने वाला समझ के आटा ले आई उसे देने के लिए। ये लो बाबा, घूर क्या रहे हो? आटा लो और चलते बनो। मैं तुम्हें मांगने वाला लग रहा हूं, बूढ़े ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं जी, तुम तो टॉम क्रूज लग रहे हो और अपने बेटे का रिश्ता लेके आए हो ना। आओ अंदर आओ, तुम्हें चाय पिलाऊं। बूढ़ा फटाफट घर के अंदर आने लगा। ए बुढ़े किधर? लैला ने उसे धक्का दिया और वो बाहर नाली में जा गिरा। मनहूस बुढ़े, सच में गुस्ता चला आ रहा है। तेरे अब्बा का होटल खुला हुआ है यहाँ पे। बुढ़ा जो नाली के गंदे पानी से लथड़ गया था, उठकर दांत पीसते हुए एक तरफ को चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से वापस आया और दरवाजा बजाने लगा। इस बार किसी और शक्ल में आया था। जी हाँ, ठीक समझे, वो साढ़े जिन पाजी थे। जिस्म पे वैक्स के जख्म और सर पे भैंसे वाली चोट पे पट्टी की हुई थी। एक बार फिर से दरवाजा बजाया और इस बार लैला के हाथों की पहुंच से दूर खड़ा हुआ था। हाँ जी, फरमाओ। लैला खतरनाक तेवरों से सामने खड़े बंदे को घूरते हुए बोली, क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। लैला,
क्या देने आए हो? शक्ल से तो भूखे नंगे लग रहे हो, मुझे क्या दोगे? और मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? तुम छोड़ो इस बात को, ये लो ये पाउडर लगाना अपने बालों पे, इससे बाल ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब? और तुम हो कौन मेरे बालों के बारे में जानने वाले? अब तो ये जानना ही पड़ेगा। लैला ने अचानक आगे बढ़ के उसके बालों से पकड़ के अंदर खींच लिया। बाहर मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, वो भी ये सीन देखकर भाग के लैला के पास आए। अब जिन तो दोनों हाथों से बाल छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें लैला ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। पाउडर वहां ही गिर गया था, जिसे बच्चों ने लैला के इशारे पे उठा के जिन बाबे के सर और जिस्म पे फेंक दिया। उई माँ, नी लैला तेरा सत्यानाश, कमीनी तेरा कख ना रवे, मर जानी छोड़ मुझे। जिन कभी दोनों हाथों से सर और जिस्म पे खारिश कर रहा था और कभी अपने बाल छुड़वा रहा था, तेज तरीन खुजली पाउडर जो वो लैला के लिए लेकर आया था, उसने उसके जख्मों पे मिर्चें लगा दी थी। जब उसने देखा कि लैला किसी भी तरह उसके बाल नहीं छोड़ रही, तो वो वहां से गायब हो गया और जाके ट्यूबवेल में छलांग लगा दी। बच्चों ने जब बूढ़े को गायब होते देखा तो जिन जिन चिल्लाते हुए भाग निकले। लैला भी हैरत से अपने हाथों को देखने लगी, जहां से जिन बाल छुड़वा कर भागा था। थोड़ी देर तो सोचती रही, फिर उसे उस दिन वाला सीन याद आया जो उसने बिल्ले को ट्यूबवेल में फेंका था। अच्छा, तो इसका बदला लेने आया था कमबख्त, खुजली पाउडर लेके। बीच वाले वाक्यात का उसे ख्याल में भी नहीं आया कि वो जिन था जिसकी कुत्तों वाली होती रही बार बार। अब वो ये सोच रही थी कि हो सकता है वो मनहूस जिन दोबारा आए, तो उसे भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए, और बैठकर सोचती रही। मगर जिन तो उस खुजली पाउडर से इस बुरी तरह छिल गया था कि बहुत सारे दिन तो बेचारे में हिम्मत ही नहीं रही थी कुछ करने की। इसी दौरान उसे उसके बाप को काफ के बादशाह के भेजे हुए जासूस, जिन्होंने उसका सुराग लगा लिया था और उसे उठाकर ले गए, वहां उसका इलाज हुआ और फिर सब ने उसकी लव स्टोरी सुनी और उसकी बार बार की दुर्गत बनने पर हंस हंस के लूट पूट हो गए। उसने अपनी वालदा से इजाजत ली कि वो एक बार और इंसानों की दुनिया में जाएगा, मगर इस बार वो लैला से माफी मांगेगा, क्योंकि लैला ने तो उसे बराह रास्त कुछ नहीं कहा था, बल्कि उसकी खुद की जाल उस पे उलट जाती थी। पहले तो उसको इजाजत नहीं मिली, मगर फिर सब लोग लायलपुर की बहादुर लैला को देखने को तैयार हो गए। मगर तय ये हुआ कि वो गायब रहेंगे और बस वो ही जिन सामने जाएगा। मगर इसके एक कजन को मस्ती सूझी, वो बोला मैं पहले जाऊंगा उसके सामने, देखूंगा क्या करती है। तो ठीक है, अगले दिन सब लोग लैला के घर गए। वो इस टाइम सेहन में बैठी थी जब वो शरारती जिन उसके सामने आया। ये लंबे लंबे बाल, सुर्ख आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें। लैला ने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। ओए, तुम कौन हो और किससे पूछ के अंदर आए हो? मैं जिन हूँ, उसने लैला को डराने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? लैला को शरारत सूझी। तुम जो चाहो सबूत मांग लो। तो ठीक है, मैं चेक करूंगी कि तुम सचमुच जिनो या कॉस्ट्यूम पहन के आए हो। आओ कर लो चेक। जिन सीना फैलाकर खड़ा हो गया। लैला आगे बढ़ी और उसकी दोनों मूंछें पकड़ के इतनी जोर से झटका लगाया कि जिन बिलबिला उठा और तकलीफ से चीखते हुए बोला, ए छोड़, खाड़ देगी क्या? तो लैला ने मूंछें छोड़ दी और बोली, ये तो असली है, मगर सर पे विग लगाई लगती। कहते साथ ही बालों से पकड़ के उसको घुमा के रख दिया। उई माँ, बचाओ इस अफलातून की बच्ची से, जिन दुहाई देने लगा। इतने में सब जिन लोग जहर हो गए, जो पेट पकड़े हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे। जिन बेचारा खसियाना होके साइड पे हो गया। इतने में पहले वाले जिन की वालदा यानी मलका लैला के पास आई और सबका तारुफ करवाया और अपने बेटे से माफी भी मंगवाई। लैला, उसने तुम्हें बहुत तंग किया, उसकी सजा भी उसको मिल गई, अब इसको माफ कर दो, तुम बहुत बहादुर हो जो डरी नहीं। इतने में वही जिन उसके पास आया और बोला, लैला ये अंगूठी रख लो, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो रगड़ के बुला लेना। वाह जिन पाजी, तुसी ग्रेट हो, इस अंगूठी की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है, कोई तुम्हें पीटे तो मुझे बुला लेना। जिन शर्मिंदा हो गया और सब लोग हंसते हुए ऊपर परवाज कर गए।
लैला भी नीम के दरख्त के नीचे आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। अभी उसे पार्लर वाली की टिंड भी तो पूरी करनी थी, तो तसव्वुर में उसके सर में उस तरह चलाने लगी। तो कैसी स्टोरी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।